हेलो दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि संकरण को कैसे निकाला जाता है, कौन सा फॉर्मूला आपने यूज करना है। कि तो सबसे पहले मैं आपको सिंपली वे में बता देता हूँ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। कि जब आपके दो या दो से ज़्यादा ऑर्बिटल्स होते हैं जो आपके, वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और उतनी ही संख्या में क्या बना दें, अगर न्यू ऑर्बिटल्स बनाएं तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन निकालना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि ये इसकी किसी भी मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री को बताता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे कि हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो तरीका है वो है लोन पेयर, कि उसके ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है पेयर में, ठीक है, प्लस सिग्मा बॉन्ड, कितने सिग्मा बॉन्ड हैं। ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला है, लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड, या इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, पर बॉन्ड पेयर में कौन सा देखना है, सिग्मा बॉन्ड देखना है। तो आप किस प्रकार से जो हमारे पास कंपाउंड होंगे उनमें किस प्रकार से हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं, हम इस फॉर्मूले से पता करेंगे। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, अगर मैं CO2 की बात करूँ, CO2 सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो इस कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो कैसे निकालूं मैं हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, 2, 4। लास्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किए कार्बन ने, ऑक्सीजन की बैलेंस ही 2 होती है और 2 यहाँ पे। तो देखो, अगर लोन पेयर देखूं मैं कार्बन के ऊपर तो कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, तो 2 इधर दे रखे हैं, 2 इधर दे रखे हैं, इसका मतलब लोन पेयर 0 है। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, आप जानते हो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा यहाँ पे होगा और एक सिग्मा यहाँ पे होगा, एक पाई यहाँ पे, एक पाई यहाँ पे, पर हमें सिग्मा काउंट करने हैं। तो कितने सिग्मा हैं, 2। तो 2 सिग्मा हैं, तो फॉर्मूला लगा दो हाइब्रिडाइजेशन, LP प्लस सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड पेयर बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड का, तो ये आ जाएगा 0 प्लस 2। तो आपका जो आ जाएगा हाइब्रिडाइजेशन वो SP हाइब्रिडाइजेशन आ गया। ठीक है, SP हाइब्रिडाइजेशन इस पे, इस कंपाउंड पे आएगा और उसके कार्बन पे SP हाइब्रिडाइजेशन आएगा। इसी प्रकार से वाटर सबको पता ही है, वाटर पे निकालना चाहता हूँ, O पे निकालना चाहता हूँ मैं, इस O पे पूछ रखा है अगर आपसे, हमें पता है O एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8, मतलब 2, 6। तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, तो एक हाइड्रोजन इधर शेयर करा होगा, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दिया होगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, कितने बचे लास्ट ऑर्बिट में, अब 4, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है। तो देखो लोन पेयर कितने हैं, 1 लोन पेयर और दूसरा लोन पेयर, ठीक है, तो लोन पेयर हो गए 2। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, तो देखो सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो दोनों को जोड़ोगे तो ओवरऑल आया 4, और 4 के लिए आ गया आपका SP3। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ गया, SP3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं NH3 की बात करूं, N का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7, इसका मतलब इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5, तो N कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हो गया। तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट किया है, एक सिंगल बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन का बनता है, तो एक इसने डोनेट किया है, एक इसने शेयरिंग किया है यहां पे, ठीक है, शेयरिंग कर रखे हैं एक एक सब ने, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे, अब 3 इधर दे रखे हैं, तो कितने बचे, अब 2 इलेक्ट्रॉन इसके लास्ट ऑर्बिट में। तो लोन पेयर कितने हो गए, लोन पेयर हो गया 1, सिग्मा बॉन्ड कितने हुए, सिग्मा बॉन्ड हो गया कितने, 3, तो दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4, और 4 के लिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, SP3, एक एस के 3 पी ऑर्बिटल आपस में मिले तो 4 नए ऑर्बिटल बनाए, तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। इसी प्रकार से PH3 का निकाल सकते हो, फास्फीन बोलते हैं इसे, P का जो एटॉमिक नंबर होता है इज 50,
285, लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, कैसे करेंगे? एक इधर दिया है, शेयर किया है, एक इसने शेयर किया है और एक इसने शेयर किया है, और एक लोन पेयर बच गया, तो लोन पेयर हो गए एक, सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 3, ऐड करके कितना आ गया? 4, तो एस पी क्यू हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ठीक है, PH3 में। इसी प्रकार आप अगर निकालना चाहते हो, देखो अमोनियम आयंस NH4 पॉजिटिव, ये तो देखो डायग्राम कैसे बनेगा, एन एक एच एक एच एक एच हो गया। अब देखो चार आयन है तो 4 बना दो। देखो नाइट्रोजन में कितना होता है एटॉमिक नंबर? 7 होता है, तो 2 और 5 होते हैं, 1 2 3, 2 लोन पेयर रहने थे, तो क्या किया इसने, अपना लोन पेयर इसने इसको दे दिया, ठीक है, अपना जो लोन पेयर है वो यहाँ पे दे दिया, तो इसने एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाया है यहाँ पे, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड तब बनता है जब कोई एक एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, शेयर कर लेता है, तो ऐसा जो बॉन्ड होता है उसे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। तो यहाँ पे देखो अगर इसका निकालना है हमें हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर कितने अभी इसके पास? 0, यहाँ पे कोई नहीं है। बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितने बनाए? तो सिग्मा बॉन्ड बना दिए कितने? 1 2 3 4 हो गया। टोटल ओवरऑल सम कितना आ गया? 4, 0 + 4 कितना होता है? 4, और हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2 pcl5 का निकाल सकते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है, कैसे निकालना है? देखो फास्फोरस कितना होता है? 15, 2 8 5 15 पी का, इसका मतलब पी, एक सिंपली बता रहा हूँ, सी एल और एक सिंपल, मैं प्रॉपर डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ। तो देखो लोन पेयर कितने हैं? 0, क्योंकि 5 के 5 इलेक्ट्रॉन कैसे करते हैं? शेयर करते हैं, तो लोन पेयर हैं 0। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड है आपके 5, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 5, इसका मतलब एक एस के 3 पी के, क्योंकि पी के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? सिर्फ 3 होते हैं, ठीक है, फिर 3 और 1 4 एक के, तो एस पी क्यू डी 3 और 1 4 और 1 5 एस पी क्यू डी हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसी प्रकार आप हाइड्रोनियम आयन पे निकाल लो, पॉजिटिव है इस वाले ओ पे निकालना है हमें हाइब्रिडाइजेशन, इसे हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो कैसे निकालोगे? वाटर ऐसे होता था ना, और 2 लोन पेयर होते थे, बट अब एक एच अगर जुड़ा है तो इसने एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिया वाटर के साथ ये, और एक लोन पेयर बच गया है, बाद बाकी ये है इस तरीके का, ठीक है, ये हाइड्रोनियम आयन है। कैसे निकालोगे? अब देखो लोन पेयर कितने हो गए? 2, सॉरी 1 लोन पेयर है, बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3, दोनों को ऐड करोगे 4, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp q, ठीक है। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो SF6 से सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है, SF6 पे कैसे निकालोगे? सल्फर कितना होता है? 16, तो 2 8 6 कितने बॉन्ड बनेंगे? 6 बॉन्ड बनेंगे, देखो 1 F इस तरीके से बहुत सारे F बन जाएंगे इस तरीके के रफली डायग्राम। लोन पेयर कितने हो गए? 0, क्योंकि 6 के 6 हो गए। बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए आपके? 6, दोनों को ऐड करके 6 आया, तो
एस पी क्यू डी स्क्वायर, आईएफ सेवन आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, ठीक है, तो सेवन है, कैसे करना है देखो, आयोडीन आपको पता है इसके लास्ट ऑर्बिटल में आयोडीन जो होता है वो आपका पी ब्लॉक एलिमेंट है, और पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उनके लास्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, सेवन इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको इसका एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा बट आपको इतना पता है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, तो इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने होंगे, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सात इलेक्ट्रॉन होंगे। तो अगर आप बनाओगे तो F इस तरीके से F F F F F एक दो तीन चार पाँच छः और F, तो लोन पेयर तो जीरो हैं बट सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, सात, सिग्मा बॉन्ड सात आ गया, दोनों का एड सात आया सेवन, तो क्या हो जाएगा एस पी क्यू हो गया, तीन और एक चार डी क्यू। एक और मैं आपसे पूछ लूं, अगर जैसे सी एच फोर में, तो सी एच फोर में देख लो कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर छः, दो चार, तो चार के चार इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, तो लोन पेयर कितना हो गया जीरो, बॉन्ड पेयर सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड हो गए आपके चार, दोनों का एडिशन आया फोर, इसका मतलब एस पी क्यू, ठीक है। सपोज एथिल एल्कोहल है सी टू एच फाइव ओ एच, इसके ऊपर यहाँ पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे एथिल एल्कोहल पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो बना लेते हैं यहाँ पे देखो सी एस थ्री एच एच सी एस टू ओ आर एच। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, आठ होता है, तो दो और छः लास्ट ऑर्बिट में छः इलेक्ट्रॉन है, तो एक इधर और एक इधर शेयर किया तो कितने बचे चार, और इस पे अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो इन कार्बन पे निकाल सकते हो, पर अगर ऑक्सीजन पे पूछा है तो कैसे निकालोगे, लोन पेयर कितने हो गए दो, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं दो, दोनों का एडिशन कितना हुआ फोर, तो कौन सा आ जाएगा एस पी क्यू। अगर आपसे पूछा कि एल्कीन में कितना होता है, जैसे एथीन हो गया आपके पास ये, इसके किसी कार्बन पे पूछ लिया तो आप खोल दो इसे, इस कार्बन पे निकालना है हाइब्रिडाइजेशन, तो देखो लोन पेयर तो नहीं है कोई, क्यों लोन पेयर नहीं है, क्योंकि इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं फोर, एक इधर डोनेट के एक इधर शेयर के एक इधर दो और दो इधर शेयर के, तो जीरो। सिग्मा बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड है कितने, वन सिग्मा, यहाँ वन सिग्मा वन पाई है, वन सिग्मा और वन पाई है, तो हमें सिग्मा काउंट करने हैं, तो वन टू थ्री, तो टोटल आया थ्री, और थ्री के लिए लगेगा आपका एस पी स्क्वायर। तो एल्किन में हमेशा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, एस पी स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर अल्काइन पूछे, जैसे इसका नाम है एथाइन, ठीक है, लोन पेयर कितने जीरो, किसी भी कार्बन पे निकाल लो, इस कार्बन पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, देखो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है दो पाई होते हैं, तो कितना हो गया, एक बॉन्ड ये है एक बॉन्ड ये है दो, तो दोनों का ऐड आया टू, और टू के लिए लग जाएगा एस पी, हाइब्रिडाइजेशन आ गया। देखो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, जीनॉन हेक्साफ्लोराइड एफ फोर इसका, तो ये
F, F, F और F, ठीक है। इसका अगर पूछे जीनॉन, तो जीनॉन आपको पता है एक नॉबल गैसेस है, हीलियम, नियॉन, ठीक है, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। इनके लास्ट जो ऑर्बिट में होते हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखो चार इधर डोनेट कर दिए हैं तो चार बचे होंगे, एक लोन पेयर ये है, एक लोन पेयर ये है, ठीक है, तो लोन पेयर कितने हो गए, दो। सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए, सिग्मा बॉन्ड है चार, दोनों का एडिशन आया 6, कितना हो जाएगा, एक एस का है, 3 पी के, 3 और 1 4 और 2, ठीक है, किसी के भी निकाल सकते हो आप। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन निकालना है।